फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सो डेट फ्रेंड्स आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में जो है कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था और आप सभी जानते हैं कि यूपी बीटीसी के लिए आपका जो है एडमिशन, पता है उसका जो प्रोसेस है, आपका अगर आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होता है मतलब कि मार्क्स के बेस पे, तो आपका 10th प्लस में 12th प्लस में आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है उनको जो है उनके मार्क्स को ऐड किया जाता है और उन्हीं के बेस पे जो है आपका मेरिट बनता है, देन उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो वो कितने मतलब कि कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए सो डेट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आप सभी जानते हैं 10,600 के आसपास जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं, दो सीटें अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो हम वो मिनिमम मार्क्स जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी से हैं फ्रेंड्स, तो आपके तीनों को मिलाकर जो है ना देख ली या परसेंटेज जो है आपके तीनों मतलब कि 10th 12th प्लस में ग्रेजुएशन के परसेंटेज जो है आपके काउंट होते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आपके जो है 10th में जो है आपका मैट्रिक में कम से कम मान लीजिए आपके 70% मार्क्स आते हैं और 12th में आपके मान लीजिए 60% आते हैं और ग्रेजुएशन में 60, तो 6, 6, 12, 12 और यहाँ पे जो है 7, 19 मतलब कि आपके जो है 190 मतलब कि यहाँ पे आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब कि 190 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों के परसेंटेज काउंट करने पे 190 बन रहा था, बट गाइज आपको मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मतलब कि वो मिनिमम मार्क्स जिस मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था वो था गाइज 235 से ज़्यादा था, 235 था। ये रिकॉर्ड मुझे एक्सपीरियंस खुद है कि बहुत सारे स्टूडेंट के इतने पे आए थे जब मैंने जो है मेरिट लिस्ट चेक किया था सीट मैट्रिक्स, जब हम प्री डीएलएड यूपी डीएलएड के ऑफिसर्स आए थे ना वहाँ पर जाकर जो है बच्चों के वहाँ पर जाकर सीट मैट्रिक्स में जो है उसके रिगार्डिंग दिया होता है वहाँ पर मैंने चेक किया था। ओबीसी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वे स्टूडेंट जिनके मतलब कि 230 से ज़्यादा मार्क्स थे, लगभग कम से कम अगर हम बात करें तो 220 वाले स्टूडेंट का हो गया था एडमिशन। एससी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 190 तक एडमिशन हो गया था और एसटी के लिए 180 से, और उसका आप जो है विश्वास नहीं करेंगे जो आर्मी के जो सन होते हैं उनकी जो उनके जो मार्क्स थे उनके गैस आप 160-170 पर भी एडमिशन हो गया था। अब आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है इनको। ये था रिकॉर्ड। अगर आप फ्रेंड्स अभी भी मतलब कि आपको कन्फ्यूजन है, अभी भी आपको मतलब कि 100% श्योर नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं जो है ना आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपका जो है यूपी डीएलएड के ऑफिसर साइट पे विजिट करके जो सीट मैट्रिक्स, उसमें सीट मैट्रिक्स में क्या होता है ना जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है उनके मार्क्स, उनके नेम, उनका रैंक, वो सभी मतलब डिटेल दिया हुआ होता है उसमें, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का जो मैंने चेक किया था आज से 4 से 5 महीने पहले। तो एक बार जो है आपको 100% कन्फर्म भी हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपका जो एडमिशन है वो इस बार जो है एंट्रेंस एग्जाम का कम चांस है, बट अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है गाइज तो आपको जो है पीएनपी की तरफ से एक, चाहे वो आपका यूपी डीएलएड की ऑफिशियल साइट है या कोई भी न्यूज़पेपर के माध्यम से 2 से 3 महीने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट फ्रेंड्स आपको जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जारी रखना है क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं तो कोई भी आपका जो है यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है।